Good morning, all of you. Today we will write about essay. आज हम essay write करेंगे. हिंदी में हम essay को निबंध कहते हैं और निबंध हम write करेंगे दीपावली पर. Any festival, तो अगर आप होली वगैरह पर भी आप लिख सकते हो तो आप लिखिएगा. But पहले आज हम आपको दीपावली पर write करा रहे हैं. तो we will write essay on दीपावली. ठीक है, हम दीपावली पर write करेंगे. So you will write in your notebook, Hindi notebook. Deepavali kya hai? Hum sabhi log Deepavali celebrate karte hain, hai na? Deepavali ke din hum kya kya karte hain? Deepavali ko kyon manate hain? Deepavali ka festival jo hai wo kyon celebrate kiya jata hai? Is din hum sab kya karte hain? और इस दिन मेन क्या हुआ था, हम ये सब चीजें राइट करेंगे. लेकिन हाँ, अब आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे लाइन में लाइन वाइज नहीं बनाएंगे. मतलब 10 लाइन 5 लाइन लिखते हैं ना, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, पैराग्राफ के फॉर्म में राइट करेंगे. सो वी विल राइट इट. दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है. इस दिन भगवान श्री राम इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके चौदह वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे थे. और अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था. तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा. पहले आप इसे राइट कर लीजिए, फिर इसके आगे की लाइन हम फिर राइट करेंगे. ठीक है, दीपावली क्या है? दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है. इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था. तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा. ठीक है, भगवान श्री राम जो थे उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें वो 14 वर्ष वनवास में ही रहे.
जब और लास्ट में जब था तो उन्होंने क्या किया, सीता जी की चोरी रावण ने कर ली थी, जिसके लिए राम जी ने युद्ध लड़ा था और रावण को मारा था। ठीक है, तो रावण का वध करने के बाद ही जब वो अयोध्या वापस आए थे अपने पूरे 14 इयर्स कंप्लीट करके वनवास के, जब वो वापस लौट कर आए तो जो अयोध्या के लोग थे, मीन्स अयोध्या की जो प्रजा थी, अयोध्यावासी थे, वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि दीपक को, दिए को जलाया, पूरे नगर में दिए जलाए थे और दिए को जलाकर उनका स्वागत किया था। इस कारण से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, अब दीपावली का त्यौहार हम कब मनाते हैं तो हम ये राइट करेंगे। आई होप आपकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन हो गई होगी। त्योहार मनाया जाने लगा, आपने ये राइट कर लिया होगा, जाने लगा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे फिर से राइट कर दे रहे हैं। त्योहार मनाया जाने लगा, फिर दिया है दीपावली का त्योहार, दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं इस दिन सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं सभी के घरों पर मिठाइयां बनती हैं, लोग नए नए कपड़े कपड़े खरीदते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं और हिंदू लोग शाम को लक्ष्मी जी और गणेश जी, लक्ष्मी जी व गणेश जी की
पूजा करते हैं। और घरों में दीपक जलाते हैं घरों में दीपक जलाते हैं। दीपावली का त्योहार कब मनाते हैं? तो दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और सभी के घरों पर मिठाइयाँ बनती हैं। लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं और हिंदू लोग शाम को लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा करते हैं और घरों में दीपक जलाते हैं। ठीक है, अब ये त्योहार किसका प्रतीक है? तो ये त्योहार बुराई पर से अच्छाई का प्रतीक है और यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। सो आई होप आपके ऊपर की फर्स्ट 3 लाइन हो गई होंगी। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्योहार क्या है? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह हर्षोल्लास का त्योहार है। इसे हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं या प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। फिनिश। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह हर्षोल्लास का त्योहार है। इसे हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं या फिर प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका दीपावली पर निबंध। ये आपको लाइन वाइज लर्न नहीं करना है, पूरा पैराग्राफ वाइज ही आपको लर्न करना है। सो दैट इज योर होमवर्क कि आपको ये दीपावली का जो निबंध है ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है।